हेलो एवरीवन, सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। आई नो यू गाइस आर वेरी एक्साइटेड और वेरी स्केयर्ड अबाउट नोइंग सीईटी का पोर्शन क्या है, बट उसके पहले ये बात समझ लो, सीईटी का पोर्शन जानना इज हाफ भी नहीं, 5% ऑफ द एंटायर जर्नी दैट यू आर कवरिंग। बिकॉज पोर्शन तो सब कर लेते हैं, बट उसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। सो प्लीज बी केयरफुल, ये स्ट्रैटेजी कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कौन सी कॉलेज के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ आर यू गोइंग टू ऑल्सो स्टार्ट योर GDPI का प्रिपरेशन एंड योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द एंटायर MBA CET एंड CMAT की एग्जाम जो भी अपकमिंग है, उन सब के लिए आई एम कीपिंग 4 सेमिनार्स। ये 4 सेमिनार्स ये सिटीज में होने वाले हैं, नागपुर, मुंबई, नाशिक एंड पुणे, ये ऑर्डर में होने वाले हैं। एंड सारे जो डिटेल्स है वो तुम्हें मिल जाएंगे एज सून एज यू रजिस्टर ऑन दिस लिंक। ये लिंक में तुम्हारी सिटी सिलेक्ट करना, तुम कहाँ पे आने वाले हो, ऑल्सो वॉट एवर रिक्वेस्ट एंड सजेशन दैट यू हैव फॉर दैट सेमिनार, जस्ट पोस्टेड वहाँ पे, एक मैंने सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे तुम्हारे सारे सजेशन वेलकम है। तुम्हें लिंक जो भी है या फिर जो भी इनवाइट की डिटेल्स है वो सारी तुम्हारी व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो व्हाट्सएप नंबर में गलती मत करना। आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, MBA CET का पोर्शन, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, आई विल फर्स्ट से सबसे बड़ी मिस्टेक तुम क्या करोगे। CET में कितने सेक्शन है, थिंक टू योरसेल्फ, पीपल से 4, एवरीबडी सेज 4, हमने यही सबसे बड़ी गलती है। इट्स बिकॉज MBA CET में 4 सेक्शंस है ही नहीं, वो लोग 4 दिखाते हैं, बट एज अ क्रैकेविटेस टीचर एंड एज अ क्रैकेविटेस स्टूडेंट वट यू मस्ट नो इज दैट CET में 4 नहीं 10 सेक्शंस है। दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड द एंटायर CET का पोर्शन, विच इस हिसाब से प्रिपरेशन किया तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ईजिली उन्हें सब्जेक्ट समझ जाता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वेल द पॉइंट इज, इट इज़ एज गुड एज क्लाइंबिंग द माउंट एवरेज। माउंट एवरेज चलो समझो अगर 15,000 फीट का है, तुम अगर देखोगे अरे यार 15,000 फीट कवर करना है, कैसे कवर करो, व्हाट आई सजेस्ट इज 4-4 स्टेप ले ले, 4,000 फीट और लास्ट में 3,000 फीट रख दे, मोर देन इनफ। तो बाद में तुम्हें लगेगा दैट हाँ 4,000 फीट मतलब मुझे 3 दिन चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वापस 3 दिन, उसके बाद वापस 4 दिन और उसके बाद 5 दिन, तो 3, 3, 4, 5, टोटल 15 दिन में मेरा 15,000 फीट कवर हो जाएगा, आई विल रीच द माउंट एवरेस्ट का समिट। क्रैक एवरेस्ट का सेम लॉजिक है विद रिगार्ड्स टू MBA CET का पोर्शन। देखो अगर तुम अभी चालू कर रहे हो, यू डू नॉट हैव द लिबर्टी लाइक द पीपल हु जॉइंड माय बैच इन ऑगस्ट और सितंबर और इवन द अक्टूबर, तो तुम्हारे पास वो लिबर्टी नहीं है दैट हम पहले पढ़ेंगे और बाद में मॉक्स देंगे। हमें एक प्रॉपर मॉक कैलेंडर, एक स्टडी कैलेंडर और वो सब चाहिए होगा जिसके बेसिस पे हम एंड ऑल्सो जो CET का पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड इन द वे दैट हाईएस्ट वेटेज सबसे पहले कवर होगा, लोएस्ट वेटेज बाद में कवर होगा, बेसिक्स और इंटरमीडिएट पहले कवर होगा और एडवांस्ड बाद में कवर होगा। ये तुम्हारा पूरा टाइमलाइन होना चाहिए एंड ये बहुत स्ट्रेटेजिकली सेट करना चाहिए with whoever you are learning. Let's start with the entire portion. सबसे पहले चालू करते हैं abstract section से, मैं abstract को abstract ही गिनता हूँ, वो हो गया एक तुम्हारा section. Then comes the quant section. Now quant section is something which many students are very afraid of और बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं. I recommend ऐसा मत करो. Quants के 3 sections मैं गिनता हूँ. Quants का calculative. Calculative का मतलब क्या हो गया? The questions, ये तुम्हें topics तो दिख रहे हैं यहाँ पे. Quants calculative other topics like averages, percentages, ratio. ये 3 है सबके माई बाप. Why do I say that? Because ये 3 के basis पे तुम ये बाकी सब solve कर पाओगे. ये 3 plus हमारा क्रैकेविटेस का line method is what will help you solve all of these topics in a snap. Now snap exam नहीं, मतलब काफ़ी जल्दी solve कर लोगे. So yeah, the point is that time speed distance ratio से होता है, partnerships ratio से होता है, simple interest, compound interest, averages से होता है, बाद में percentages से तुम्हारा profit and loss and जो भी ऐसे topics है जो percentage related है, fractions वाले, simplification, ये सारे percentages से solve हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो तुम्हारे ट्रेन एंड बोर्ड्स है वो रेशियो और एवरेज दोनों के बीच में कंबाइन हो जाएगा एंड अल्जेब्रा थोड़ा बहुत तुम ये वाले टॉपिक्स यूज कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर दैट अल्जेब्रा वैसे तो आता है टेक्निकल में। द पॉइंट इज दैट ये सारे टॉपिक्स तुम एक दूसरे को कंबाइन करके सॉल्व कर पाओगे, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वांट्स टेक्निकल। टेक्निकल इज जो सबको बहुत ज़्यादा सिरदर्द देता है इंक्लूडिंग द टीचर्स, सीखना भी टफ है सिखाना भी टफ है। नाउ अंडरस्टैंड, टेक्निकल आर द क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें एक्चुअल मेथड, एक्चुअल ट्रिक्स, एक्चुअल बेस्ट तरीके लगेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बिकॉज क्वेश्चन समझना ही बहुत टफ है, सॉल्व करना तो दूर की बात। इसके लिए फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी चैप्टर, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क, और सबके लिए मैं क्रैकेविटेस में ट्रिक्स बताता हूँ दैट ये वाला आया तो कौन से ट्रिक यूज करनी है, ये वाला आया तो कौन से ट्रिक यूज करनी है। लर्निंग द राइट ट्रिक्स इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टेक्निकल पार्ट। नाउ अंडरस्टैंड, कैलकुलेटिव एंड टेक्निकल ये दोनों कंबाइन होते हैं DI में, बिकॉज DI में क्वेश्चन समझना इज टफ, बट DI सॉल्व करना इज प्योरली अ मैटर ऑफ हाउ वेल कैन यू कैलकुलेट।
विच इज वेयर कैलकुलेटिव और डी आई दोनों के लिए मैं लेता हूँ स्पीड मैथ्स पे एक लेक्चर, एक नहीं दो लेक्चर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी क्वांट्स के लेक्चर में एक स्पीड मैथ्स की टेस्ट लेता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स। यू गाइज आर कंटिन्यूसली गोइंग टू बी इन टच विद स्पीड मैथ्स सो दैट तुम कभी भी फॉल्टर ना करो तुम्हारे कैलकुलेशंस और तुम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कैलकुलेट करके सॉल्व कर सको। नाउ कमिंग टू दी एल आर का सेक्शन, एल आर में तीन सेक्शंस, एल आर पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एल आर स्टैंड अलोन। एल आर पजल्स बेसिकली इज सॉल्वेबल बाई यूजिंग द क्रैक टेस्ट मेथड ऑफ पॉजिटिव, रिलेटिव एंड नेगेटिव। ये पॉइंटर्स में अगर तुम पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो, यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज वो एल आर सेट सॉल्वेबल है या नहीं, उसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे और वो आधा सॉल्व करके तुम इनसाइट्स भी ड्रॉ कर सकोगे टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आर गिवन अलॉन्ग विथ इट, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सॉल्व इट मच फास्टर। कमिंग ऑन टू द क्रिटिकल रीजनिंग, जो ट्रस्ट में इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ रोल प्लेइंग, एंड व्हेन आई से रोल प्लेइंग आई मीन लिटरली थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज अ लॉयर, एज अ जज, या फिर कौन से सेक्शन में कौन से क्रिटिकल के टॉपिक में कैसे सोचना है। अगर तुम्हें वो आता है तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्वेबल है। क्रिटिकल रीजनिंग आई सजेस्ट कभी भी तुम्हारा 100% एक्यूरेसी नहीं होने वाला है, सो पे अटेंशन टू हाउ टू सॉल्व इट फास्टर विद इन 0.6 और 0.7 मिनट्स, बिकॉज तुम्हारा एक्यूरेसी भी 0.6 या 0.7 जितना ही रहेगा। ओके, दैट इज 60-70% एक्यूरेसी। एंड फाइनली वी कम ऑन टू एल आर स्टैंड अलोन, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, बट अगेन जस्ट लाइक क्वांट्स टेक्निकल, इसमें ये सारे टॉपिक्स के लिए तुम्हें इंडिविजुअल ट्रिक्स लगेगी, विच इज वेयर क्रैक टेस्ट के लेक्चर्स विल रियली हेल्प यू, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग आइडियोलॉजी होता है जिसमें ये काफ़ी फास्ट सॉल्व हो सकता है। जिसकी वजह से इफ यू सी वी हैव सेंट 41 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर टू JBMS इन सिडनी, जस्ट क्लासरूम स्टूडेंट्स, नॉट इवन टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट बिकॉज इट शोज हाउ मच एफर्ट वी पुट इन। एंड फाइनली वी कम ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन, जो वैसे तो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इंग्लिश सेक्शन पे तुम मेहनत इसलिए करोगे बिकॉज ये सेक्शन में तुम टाइम निकाल के एल आर को और कॉन्ट्स को दे पाओगे। सो हाउ डू यू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द RC, RC इज प्योरली रीडिंग प्रैक्टिस। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, कौन से RC को कैसे अप्रोच करना है, कितने टाइप्स के RC होते हैं। मैं पूरे सारे RCs को तीन तीन टाइप के RC में डिवाइड करता हूँ। ओके, ये सब मैं लेक्चर्स में बता दूंगा। ऑन टॉप ऑफ दैट बोथ आर लेक्चर्स, दैट इज RC शॉर्ट एंड RC लॉन्ग, मैं दोनों जो छोटे और बड़े RC होते हैं उनके लिए अलग अलग अप्रोच बताता हूँ और कैसे उनको सॉल्व करना है वो प्रॉपरली समझा देता हूँ। एंड फाइनली वी कम ऑन टू पैराजम्बल्स एंड ग्रामर, बोथ विच फंक्शन ऑन हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अगर तुम्हें सेंटेंसेस बनाना और उनका प्रॉपर फ्लो समझ रहा है, देन ट्रस्ट मी सॉल्विंग पैराजम्बल्स विल बी वेरी इजी। और सेंटेंस कैसे बनाना वही तो ग्रामर है। तो ग्रामर रूल्स के लिए वी हैव टू लेक्चर्स इन आर एंटायर सिलेबस, दैट इज ग्रामर बेसिक्स 1 एंड ग्रामर बेसिक्स 2। तो इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन योर ग्रामर, जो CET के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, कैसे उसको अप्रोच करना है, वो सारे ग्रामर की चीज़ें मैं अपने लेक्चर्स में बता देता हूँ। एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड वोकैबुलरी। वर्बल रीजनिंग, ऑल दो मैनी पीपल गेट इट कन्फ्यूज विद क्रिटिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, बट वोकैबुलरी इज समथिंग वेयर ऑनेस्टली यू विल फाइंड डेली रेगुलर प्रैक्टिस द बेस्ट हेल्प फॉर योर सेल्फ। फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो, क्रैक एविटेस का एप्लीकेशन जो है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर डेली स्पीड मैथ्स एंड वोकैबुलरी का प्रैक्टिस। अगर वो तुम डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ तुम्हें रोज तुम्हारा डेली का प्रैक्टिस स्पीड मैथ्स और वोकैबुलरी के मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होने लगेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ यू नीड एनीथिंग मोर, जस्ट पुट इट डाउन इन द कॉमेंट्स, एंड इफ यू वॉन्ट अस टू पोस्ट मोर वीडियोज, तो भी कॉमेंट्स में डालो दैट तुम्हें कौन सी वीडियोज चाहिए। चल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड इफ यू नीड एनीथिंग मोर, रीच आउट टू अस एट क्रैक एविटेस्ट। बाय एवरीवन।